दी, मैं आपसे बहुत दूर हूँ लेकिन बहुत नज़दीक हूँ। मैं केरला में बैठी हूँ, आप मुंबई में बैठे हों। मैंने कहा था कि मैं नहीं जाती हूँ, तो आपने कहा था कि काम काम होता है, जन्म भर हम लोगों ने काम किया वैसे काम करना चाहिए। तो आपने ये भी बोला था कि तुम वापस आओ, उसके बाद हम लोग इकट्ठा बर्थडे मनाएंगे। तुम्हें याद है दीदी, मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, मत मोटी थी, गोरी भी थी। तुम मुझे उठा उठा के भागती थी और गिर जाती थी, कभी यहाँ गिरी कभी वहाँ गिरी, कभी तो पहले मंजिल से हम लोग गिर पड़े थे और मेरे को यहाँ पर अभी तक चोट है, निशान है, और तुम्हारे सर में लगा था, कितने दिन बीमार थे। उसके बाद हमेशा से मैं तुम्हारे साथ थी। मैंने तुम्हारा स्कूल छुड़वा दिया था, याद है, हमारे सांगली में, महाराष्ट्र में सांगली में स्कूल की फीस 8 आने होती थी और वो 8 आने भर के तुम स्कूल जाने लग गई और मैंने अपनी उंगली तुम्हारे हाथ में पकड़वा दी और तुम उंगली पकड़ के मेरे साथ 4-5 दिन तक हम लोग गए। नीचे चटाई डाली होती थी और उस पर बैठ के सीखते थे। मुझे क्या सीखना था, मैं तो 2-3 साल की थी। तो मास्टर ने बोला कि तुम आती हो, ये तुम्हारे साथ कौन आती है? तो उसने कहा मेरी छोटी बहन है। तो क्या बहन तुम्हारे साथ सीखने वाली है क्या, वापस जाओ घर। दीदी रोने लग गई, मैं भी उसको देख के रोने लगे, यह करके हम लोग वापस आ गए। वापस आने के बाद हमारे बाबा बहुत बड़े सिंगर थे, क्लासिकल सिंगर थे, ड्रामा आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े इज्जत वाले लोग थे और बड़ा घर था, सब था। तो बाबा ने कहा कि मेरी बेटियां किसी का डांट सुन के आई हैं, मैं उनको घर में सिखाऊंगा और देखना, सीखना विखना रहा दूर, तुम दोनों बहुत बड़ी बनोगी। पिताजी का आशीर्वाद था, पढ़ाई तो वैसे रह गई। और बाद में दीदी ने कभी स्कूल देखा नहीं, पर जिसने स्कूल नहीं देखा उसको 4 डॉक्टरेट मिली हैं, 6 डॉक्टरेट मिलना किसी भी स्कूल ना जाने वाले बच्चे को कितना मज़ेदार होता है ना, कि कॉलेज किया भी नहीं, कॉलेज की टोपियाँ उड़ाई भी नहीं, फिर भी डॉक्टरेट हुए हैं। दीदी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और क्यों करती हूँ ये मेरे खुद के ही समझ में नहीं आता है। तुम बहन हो बड़ी इसलिए करती हूँ, अब माँ हो इसलिए करती हूँ। क्या तुम बहुत बड़ी गाने वाली हो इसलिए भी करती हूँ। वो इज्जत जो है वो माँ सरस्वती से किसी भगवान से भी कम नहीं है। उस इज्जत को लोग समझते नहीं हैं, पर तुम तो समझती हो। क्यों मेरा प्यार तुम्हारे प्रति, तुम्हारे आवाज़ के प्रति, तुम्हारे गाने के प्रति कितना है। और माँ तो हो ही तुम, बहन भी हो ही तुम। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं बहुत 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 प्यार से तुम्हें कहती हूँ कि मेरे जाने तक तुम नहीं जाना, मैं जब जाऊंगी तब तुम जाना। नॉट गुड अगेन दीदी, तू अम्मा भाई, दीदी तुम हम भाई बहनों पे सबके साथ बहुत प्यार से हमेशा आई, हमेशा प्यार से देखा, सबकी चिंता की। तुम्हारा जन्मदिन आज है और मैं साथ में नहीं हूँ, इसका मुझे बहुत दुख है, पर तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ से कभी अलग नहीं हुई हूँ, हमेशा साथ हूँ। अभी वापस आके बहुत धूमधाम से सब फैमिली के साथ हम
आपका जन्मदिन मनाएंगे, तब तक मेरे सर पे हाथ रखिए और मेरा आशीर्वाद, जैसा आप बोलती हैं कि मैं मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा से है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वैसे फिर से बोल दो दीदी, मेरा नतमस्तक है। तुम सब भाई बहनों को बराबर से प्यार करती थी, लेकिन मुझसे ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि मैं तुम्हारे बहुत नज़दीक थी, मैं तुम्हारा सारा काम करती थी और हमेशा से तुम्हारे साथ साथ भी जाती थी। मैं आज बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पैर नहीं छू पा रही हूँ, लेकिन यहाँ से मैं दंडवत करती हूँ और मेरा सर जो है वो तुम्हारे चरणों में है। मुझे आशीर्वाद दो दीदी, और बहुत बहुत आशीर्वाद दो, इतना ही मैं तुमसे मांगती हूँ। तुम बहुत बड़ी सिंगर हो, तुम्हारे जैसे सिंगर होगी नहीं और तुम्हारे जैसे इंसान भी नहीं होगा कोई, और मैं क्या बोलूँ, मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, सिर्फ मुझे आशीर्वाद दो, मेरा नतमस्तक है तुम्हारे सामने। स्कूल देखा नहीं, पर जिसने स्कूल नहीं देखा उसको 4 डॉक्टरेट मिली हैं, 4 नहीं 6 डॉक्टरेट मिलना किसी भी स्कूल ना जाने वाले बच्चे को कितना मज़ेदार होता है ना, कि कॉलेज किया भी नहीं, कॉलेज की टोपियाँ उड़ाई भी नहीं, फिर भी डॉक्टरेट हुए हैं। दीदी मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और क्यों करती हूँ ये मेरे खुद को ही समझ में नहीं आता है। तुम बहन हो बड़ी इसलिए करती हूँ, अब माँ हो इसलिए करती हूँ। क्या तुम बहुत बड़ी गाने वाली हो इसलिए भी करती हूँ? वो इज्जत जो है वो माँ सरस्वती से किसी भगवान से भी कम नहीं है। उस इज्जत को लोग समझते नहीं हैं, पर तुम तो समझती हो। क्यों मेरा प्यार तुम्हारे प्रति, तुम्हारे आवाज़ के प्रति, तुम्हारे गाने के प्रति कितना है? और माँ तो हो ही तुम, बहन भी हो ही तुम। आज तुम्हारा जन्मदिन है और मैं बहुत 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 प्यार से तुम्हें कहती हूँ कि मेरे जाने तक तुम नहीं जाना, मैं जब जाऊँगी तब तुम जाना। नॉट गुड अगेन दीदी, तू अम्मा भाई, दीदी तुम हम भाई बहनों पे सबके साथ बहुत प्यार से हमेशा आई, हमेशा प्यार से देखा, सबकी चिंता की। तुम्हारा जन्मदिन आज है और मैं साथ में नहीं हूँ, इसका मुझे बहुत दुख है, पर तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ से कभी अलग नहीं हुई हूँ, हमेशा साथ हूँ। अभी वापस आके बहुत धूमधाम से सब फैमिली के साथ हम आपका जन्मदिन मनाएंगे।